तो ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये सब काम हो रहा है। मैं तो कोर्ट में हूँ, रात दिन देखता हूँ तमाशा। आप लोग सोचते होंगे कि ये देश का न्यायालय है, लेकिन सबसे अन्याय यही हो रहा है। आज हमारे ही लोग उनके पीछे घूम रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास आर्थिक सत्ता है। उनके पास जब आर्थिक सत्ता हो गई तो सामाजिक भी सत्ता। वो 3% लोग जो है पूरे देश में 80% लोगों को बोलबंद किए हुए हैं। एकमात्र मोटो यही था, और इसी वजह से आप देखेंगे कि जो ओबीसी आरक्षण का काका कातिल जो आयोग बैठा था, वो बनने के बाद भी डस्टबिन में फेंक दिया गया। क्यों? चाहता नहीं था कि ये वर्ग आगे आए, और जिन वर्ग को मिला हुआ था वो तो बाबा साहब 1932 में ही अंग्रेज में ही कह गए थे। तो संविधान लागू होने के बाद हमें कुछ ऐसा मिलने वाला जो था वो मिला नहीं। तो ये शुरू से ही सत्ता का खेल रहा है, और इस देश को जो हिंदू राष्ट्र आज जो बात हो रही है, ये बात आज की नहीं है। ये तो आपको 1950 का एक ऑर्डिनेंस आता है जिसमें लिखा जाता है कि नॉन हिंदू आर नॉट एलिजिबल एससी बेनिफिट। तो आपका हिंदू राष्ट्र का ऑर्डिनेंस पास हुआ था। हम इस बात को नहीं समझ पाए क्योंकि हम पहली जनरेशन है, हम खुद पढ़े और हम समझे। हमारे पीछे की जनरेशन न पढ़े पाए थे न वो हमें समझा पाए थे। तो इसके लिए हम कई नौकरी मैंने छोड़ी, कलर की थी, इंस्पेक्टर की थी, दी रहे थी। मुझे आना था यहाँ पर समझने के लिए कि आखिर टॉप लेवल पर जब तक हम नहीं जाएंगे, जिसके लिए बाबा साहब ने बात की थी, उनको तो जज बनाया जा रहा था, चीफ जस्टिस बनाया जा रहा था देश के समय में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। नहीं, मुझे उसके लिए नहीं कहा है, हम आए हैं अपने समाज के काम करने के लिए, उनको सिस्टम तैयार करके देने का। तो मुझे वो सिस्टम नाना था कि मैंने 3-4 नौकरी छोड़ करके आया इस सिस्टम में कि मुझे तो जाना है वहां पर जहां पर अपने लोगों ने मुझे काम करना है। और जब आया और यहां देखा तो हमें एंट्री नहीं थी। हम पढ़ लिए, लॉ कर लिए, आप लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस तो कर लीजिए, छोटे मोटे आप जज बन जाएंगे, लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की बात आती है तो हम लोगों के लिए इंग्लिश के लिए रोक ली गई। पहले तो जो जज इनके होते थे वो कुछ तो संविधान की लाज क्या रखते थे और कुछ तो वो करते थे, ऐसे कई जजमेंट भी आए, लेकिन आप उन्हीं जजमेंट को ये लोग पलट रहे हैं, अपने ही जजमेंट को ये लोग खारिज कर रहे हैं कि जो इन्हें मिल गया उन्हें भी अपना मिलना चाहिए, वो उसको कैसे खत्म किया जाए। और इसको रोकने के लिए जो आज है, इसका मेन मकसद है कि जुडिशरी में किसी तरह बहुजन जजों को बहाली पर रोकना, बहुजन लोगों का जुडिशरी, हायर जुडिशरी में प्रवेश को रोकना। क्योंकि जुडिशरी जो है यहाँ का, अगर आप देखें तो सबसे सुप्रीम पावर आज के डेट में है। अगर कोई विधायिका कोई कानून पास भी कर दे, कार्यपालिका कोई ऑर्डिनेंस ले दिया है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एक दिन में पलट सकता है। तो ये हालत है, और ऐसे है कि वैसे से वो ऑर्डर दिए हैं जिसका कि कोई संविधान में कोई उस तरह का जिक्र नहीं है, जिसका संविधान के कोई आर्टिकल नहीं है कि जिसको जस्टिफाई करे। उसके बाद ऐसे ऑर्डर पास हुए हैं और हम पर इम्पोज किए जा रहे हैं, ना तो उसको सैंक्शन है किसी पार्लियामेंट का, ना कोई हमारे असेंबली का, और उसको एक कानून बना करके इम्पोज किया जा रहा है। तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत है कि हमें किस तरह से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच हम पर जो ये थोपा जा रहा है कि आपको ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगी, आपके पास किसी तरह की स्वतंत्रता है जो वो खत्म होने जा हो गई है, एक तरह से समझिए। इन्हें इस बात का चिंता नहीं है कि रवीश कुमार बहुजनों की चर्चा करते हैं, इसे इस बात की चिंता नहीं कि कन्हैया कुमार इनका लीडर बना हुआ है। इन्हें दिक्कत इस बात की है कि जब हमारे प्रोफेसर दिलीप मंडल जी पत्रकार बन जाते हैं, शंभू कुमार जी जैसे हमारे जब कोई रिपोर्टर बन जाते हैं, ये परेशानी इनको है। इनको परेशानी है कि लालू प्रसाद जी जैसे नेता जब आएंगे, बहुजन का जब कोई नेता आएगा, बहन मायावती जी जब कोई मुख्यमंत्री से सीएम की रेस में आएंगे, तब इनको परेशानी है। इनको परेशानी ये नहीं है कि उनके ही लोग आपके यहाँ अगर कुछ कर रहे हैं
तो कोई परेशानी नहीं है। तो हमारे लोग जैसे उठेंगे तो उनके लिए सीधे है कि अब उनको रास्ते से हटाने के लिए कोई ना कोई उस पर एकल धारा लगाया जाएगा, उसको जेल में बंद किया जाएगा और उसको रास्ते से हटाने का कार्यक्रम चलता है। इसके लिए उनकी अपनी एजेंसी है जो जांच करती है, उनके थाने पुलिस है जो केस दर्ज करती है और उनके कोर्ट है, जज है जो फैसला देते हैं। तो ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये सब काम हो रहा है। मैं तो कोर्ट में हूँ, रात दिन देखता हूँ तमाशा। आप लोग सोचते होंगे कि ये देश का न्यायालय है, लेकिन सबसे अन्याय यही हो रहा है। आज जो आप देखे होंगे कई केसों के अभी तक डेट नहीं आया है, कई साल लगे होंगे, अभी तक उनका भी लिस्टिंग नहीं हुआ उनका। क्यों नहीं होता है? इसीलिए कि उसको देखा जाता है कि ये केस किसका है, कौन जाति का है, कौन वर्ण का है, कौन धर्म का है, फिर इसके वकील का सारा हिस्ट्री क्या है, उसके हिसाब से केस लिस्ट होता है। नहीं तो सलमान खान का और अर्णब गोस्वामी का वहां 5 बजे मुंबई हाईकोर्ट से फैसला होता है और 6 बजे सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट होकर डिसाइड भी हो जाता है। तो ये चीजें देखिए आपकी कैसे होता है। जब आपको न्याय देने की बात होगी तो आपकी केस लिस्ट नहीं होगी, कब आएगा कोई पता नहीं, लेकिन जब आपको फांसी देने की बात आएगी, आपको सजा देने की बात आएगी, तो 2 बजे रात में ये कोर्ट खुलेगा और कहा जाएगा देखिए आपके लिए मैंने 2 बजे कोर्ट खोला था, असल उसे 4 बजे फांसी देना था, तो 2 बजे तो उसे खोलना जरूरी था ना, नहीं तो वो टल जाता तो पता नहीं कितने दिन और चला जाता। तो ये सारी कहानी है और इसको हमें बारीकी से समझना पड़ेगा। इस संविधान में जितनी बातें हैं अगर वो सही ढंग से लागू हो जाए तो इस देश की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन जो हमारे साथी मनुवादी लोग हैं, जब उनसे बात होती है, चर्चा होती है, तो कई बार मजाक में बोल भी देते हैं, तो कहता है हमें इस बात की परेशानी नहीं कि आप लोग को कुछ भागीदारी मिल जाए, हमें परेशानी इस बात से होगी जब आप लोग आ जाएंगे तो फिर हमारी दुर्गति हो जाएगी, हमें वही करना पड़ेगा जो आप लोग कर रहे हैं और ये हम नहीं चाहते हैं। तो व्यवस्था में जो बैठे लोग हैं वो कहते हैं साफ बात कि हम जितने भी काम पॉलिसी बनाते हैं वो कागज में देखने के लिए तो बनाना पड़ता है, लोगों को बताने के लिए, लोगों को लोक लुभावन वोट लेने के लिए, लेकिन हमें नहीं करना है। क्यों? अगर मैं करता हूं तो 85% बेनिफिट आपका हो जाएगा, क्योंकि 85% आपकी संख्या है ना, तो कोई भी चीज बनेगा तो उसका 85% आपके पास जाएगा, तो हमें तो 15% मिलना था। हम तो अगर नहीं भी करेंगे तो भी हम ले लेते हैं सारा चीज, तो हमें जरूरत क्या है कि इसको लागू करें। वो तो खुलेआम बोलता है और हमारी चर्चा ऐसे लोगों से होती रहती है बराबर अपने फ्रेंडशिप लेवल पर। तो मैं इन लोगों के भी मीटिंग में कई बार जाता हूँ और देखता हूँ, सुनता हूँ। मैं परशुराम जयंती भी चला जाता हूँ, मैं देखता हूँ वहां पर अपने कई दोस्त हैं, बुलाते हैं, चले जाते हैं वहां सारे। अभी दिल्ली में मनाया था उन लोगों, आम आदमी पार्टी का वहां MLMP जो है आया हुआ था, वहां पर कांग्रेस का भी आया हुआ था, वहां BJP का भी आया था, वो ब्राह्मण सब आए हुए थे उनके। तो उनका कोई पार्टी नहीं होता, वो ब्राह्मण होते हैं, वो कहीं भी होते हैं तो ब्राह्मण होते हैं। तो ये चीज मैंने वहां जाके देखा, मैंने वहां सीखा। मैं इसलिए चला जाता हूं कि देखूं ये करते क्या है, कैसे ये लोगों का होता है। तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि हम एक प्लेटफॉर्म पर हमारे लोग क्यों नहीं आते, वो जिस पार्टी में जाते हैं उसी के होके क्यों रह जाते हैं, आखिर वो अपने समाज के प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आते हैं, उनके लिए कोई काम क्यों नहीं करते, जहां भी वो हैं वहीं पर वो क्यों नहीं करते हैं काम। अगर वो नहीं करते तो क्या परेशानी है, फिर आखिर वहां रहने की उनको जरूरत क्या है अगर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं वहां पर। तो ये हमें समाज के नेताओं को समझना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप सत्ता तो ले लेते हैं लेकिन सत्ता को जब कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप राजनीतिक सत्ता तभी तक रख सकते हैं जब तक आपके पास सामाजिक सत्ता नहीं होगी, ये बाबा साहब ने कही थी। और सामाजिक सत्ता के लिए आपके पास एक आर्थिक सत्ता भी होनी चाहिए। मैं बचपन में पिताजी के ही अपने कस्टडी में पढ़ा करता था, हमारे कोई ट्यूटर वगैरह होते नहीं, गाँव से आया था तो वो पढ़ाते थे, दुकानदारी भी करते थे और मुझे भी साइड में पढ़ाते थे। तो उन्होंने एक चीज मुझे पढ़ाई थी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसका जो झंडा था उसमें लिखा हुआ था फ्लैग फॉलोज ट्रेड, जहां पर सत्ता कायम करना हुआ झंडा गाड़ना हो वहां पर आप व्यापार करो।
तो जब तक आपके पास आर्थिक सत्ता नहीं होगी तो आपके पास सामाजिक सत्ता नहीं आएगी, जब तक सामाजिक सत्ता आपके पास नहीं होगी तो आपकी राजनीतिक सत्ता भी नहीं होगी। आज हम यहाँ बैठे हैं 50-100 लोग, एक कप चाय भी पियेंगे तो 100-200 खर्चा होगा, ये है आर्थिक सत्ता। अगर ये नहीं हमारे पॉकेट में होगा तो हम यहाँ जमा भी नहीं हो सकते। तो हमें पहले ये भी देखना पड़ेगा कि आर्थिक सत्ता हम कैसे मजबूत करें, और उससे हम आज हमारे ही लोग उनके पीछे घूम रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास आर्थिक सत्ता है, उनके पास जब आर्थिक सत्ता हो गई तो सामाजिक भी सत्ता। वो 3% लोग जो है पूरे देश में 80% लोगों को गोलबंद किए हुए हैं, और हमारे लोग गमछा दुपट्टा डाल के घूम रहे हैं उसके पीछे, और उसके बाद वो सत्ता में है। तो ये चीज हमको समझना पड़ेगा कि हमारे लोग उनके पीछे घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं। अब सीधी सी बात है, उनके पास सारा व्यवस्था है, फैक्ट्री है, सारा कारखाना है, हमारे लोग वहां काम कर रहे हैं, तो वो अगर कहीं मीटिंग भी करेगा तो एक दिन छुट्टी करके सबको बस भर के वहां ले जाएगा और मीटिंग कर लेगा। हम लोग तो बुलाते तो कुर्सियां भी नहीं भरती हमारे, क्यों? इसी वजह से कि उनके पास सारा सत्ता। आज इस देश में 25,000 पारसी और लगभग जो है आपको 2.5-3 लाख जो है 25 लाख लगभग जो आपके पार ये जैन समाज है, 54% दोनों मिला के देश का आबादी का नहीं है, लेकिन देश की आर्थिक सत्ता उनके पास है। और जिनके पास आर्थिक सत्ता है उनका प्रधानमंत्री पॉकेट में है, इस देश की सरकार उनके पॉकेट में है। तो ये बात हमें भी समझनी पड़ेगी। हमें आगे लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें मनुवादियों से लड़ना है, लेकिन हम में से यहाँ जितने लोग बैठे हैं शायद किसी का बच्चा हो जो सरकारी स्कूल में पढ़ता होगा, हम उसको 2,500-3,000-5,000 का 2 बच्चों की फीस मनुवादियों को दे रहे हैं हर महीने। हम इलाज कराने जाते हैं तो उनके पास जाते हैं, हमारे पास मोबाइल जो है उनका है, बैंक अकाउंट उनका है। अगर एक हम 125 करोड़ अगर बहुजन हैं तो 5 के हिसाब से 25 करोड़ परिवार हैं। हम अगर 10,000 भी उनको महीने में दे रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, टीवी, फ्रिज, गाड़ी खरीदते हैं, स्कूटर उनके नाम पर, तो 2,50,000 करोड़ हम हर महीने मनुवादियों को देते हैं, और उनसे हम लड़ाई करने निकले हैं, कैसे लड़ेंगे? मेरे पिता एक छोटा दुकानदार थे, 67-70 की कहानी है कि उस जमाने में 5 पंचायत का अकेला दुकान थे, और 5 पंचायत का प्रधान और सरपंच कौन चुना जाएगा वहां निर्णय होता था। ये मैंने देखा एक छोटी दुकान की क्या ताकत थी, आर्थिक सत्ता किसको कहते हैं, मैंने वहां से सीखी थी। तो जब तक हम थोड़ा सा सत्ता आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तब तक हमारे सामाजिक सत्ता में कमी आएगी, और वो सत्ता आप अंग्रेज भी देख रहे हैं कि उस यहाँ आया था, पहले व्यापारी किया, व्यापार से ही उसने सारा सैनिक खड़ा किया और इस देश की सत्ता कायम कर ली। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करने की है, हम सोचते हैं कि हम ये चीज हमारे लिए नहीं है, लेकिन नहीं, अगर हम घर से नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे तो दूसरा से हम कैसे उम्मीद करें कि वो करेगा कोई? आपका बच्चा तो ट्यूशन ही पढ़ के पास करेगा, 2-5 हजार का ट्यूटर रखिए, कोई बहुजन का एक अच्छा सा स्टूडेंट अपने यहाँ ट्यूटर रखिए, वो उसका फीस निकल जाएगा बेचारे का कॉलेज और यूनिवर्सिटी का, और आपका बच्चा पढ़ लेगा। बिल्डिंग नहीं पढ़ता है, टीचर नहीं पढ़ता है, बच्चे को पढ़ना है, आप अपने बच्चे को ट्यूटर से पढ़वाइए, ट्यूशन तो कहीं भी लगाना, बिना ट्यूशन के तो सर प्राइवेट स्कूल भी नहीं पास करेगा वो। तो बदलना है तो कैसे बदलेंगे आपको समझना पड़ेगा, आपको ही निर्णय लेना पड़ेगा। हम तो एक अपना, हमारा तो उस बहुजन समाज के स्कूल तक अपना नहीं है, हम उससे लड़ाई लड़ने चल रहे हैं। तो हमारा क्या है इस देश में? आप जो 100 साल ये आरएसएस जो लगाया, क्या गली गली मुस्का आज शिशु निकेतन खुल गया है, डीएवी खुल गया है, उसके सारे सरकारी कॉलेज स्कूल भर गए। आप जाइए, क्यों वो सरकारी खत्म कर रहा है? क्यों? उसने एक पैरेलल खड़ा कर लिया अपना इकोनॉमी। आप वहां जाइए, अब पढ़ना है आपको, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलना, वहां खर्चा करिए, नौकरी उस स्कूल में आपको नहीं मिलना, उस कॉलेज में आपको नहीं मिलना, उसके जगह पर नहीं मिलना, आपको मजदूर के रूप में जहां जाना है काम करिए। तो इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं हम, किस लिए कर रहे हैं? आने वाली जनरेशन को तो उतना कुछ मिलना भी नहीं जितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने लिए कुछ बनाया नहीं, ना तो एक यूनिवर्सिटी हमने बनाया है, ना एक कॉलेज बनाया है, ना कि हॉस्पिटल बनाया है अपने लिए। तो जब तक हम ऐसे नहीं अपना तैयार करेंगे, अपना पैरेलल इकोनॉमी, तब तक हम इनसे नहीं लड़ सकते हैं। अमेरिका में 14% काले लोग हैं, और उसकी इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी 17% उसकी अपनी इकोनॉमी है, वहां की जो अमेरिका की इकोनॉमी है 17% होल्ड करता है, 14% आबादी वाले लोग,
उसका अपना बैंक है, अपना इंश्योरेंस है, अपना हर फैक्ट्री है। तो आप किसी भी सत्ता से लड़ने के लिए आप ऐसे भूखे सोचेंगे लड़ लेंगे तो ऐसे नहीं लड़ाई होगी। लड़ने के लिए आपके अंदर भी होना चाहिए, जो पांच आदमी आपके पास बैठे तो उसको चाय पिलाने का भी आपके पास कैपेसिटी होना चाहिए। आज हमारे जितने पत्रकार बंधु हैं ये भी मजबूर हैं कि अपने घर से सक्षम नहीं है कि अपनी पत्रकारिता घर से कर पाएंगे। ये हम ही लोग कुछ दो पैसे से इनका भी चल जाता है, ना हमें कोई अपना मीडिया खड़ा कर पाए हैं तो हमारा न्यूज कहां पहुंचेगा कहीं अपने लोगों तक। तो संविधान बहुत कुछ है लेकिन संविधान के रहने से कुछ नहीं होता, संविधान लागू करने वाला भी तो चाहिए। लागू कौन करेगा? वो जिसने हमें सब कुछ छीन लिया हमसे, वो देगा वापस? आपको अपनी चीज चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा उसमें। बाबा साहब को भी बहुत कुछ मिल रहा था, वो चाहते तो बैठ जाते लेकिन उन्होंने कहा हमें तो जाना, जब तक हम सिस्टम में नहीं जाएंगे तो लोगों को देने कैसे? तो हमें कुछ लेने के लिए पाने के लिए सिस्टम में जाना पड़ेगा। सिस्टम में जाने के लिए कितनी बड़ी व्यवस्था है उसके हिसाब से हमारी तैयारी क्या है? आज हमारे लोग सत्ता लिए हैं और ना अपने जज बनाए, ना अपने अटॉर्नी बनाए, नतीजा वो जेल गए। जेल वही नहीं जाएगा जिसका अपना जज होगा, जिसका अपना अटॉर्नी होगा। जगन्नाथ मिश्रा का अपना वकील मिश्रा था वो बरी हो गया घोटाला करते हुए भी। आज जिसने घोटाला नहीं किया वो जेल खट रहा। मैंने इनको बात भी किया कि ऐसे आप काम करोगे सत्ता में जाने से कुछ नहीं होगा। आपका एमपी क्या करता है वहां पर, जीतने के बाद आपका एमपी क्या करेगा, क्या ऐसा काम किया है, आप क्या करोगे जो उसी आदमी को दोबारा भेज रहे हो? आप एक बार अपनी पार्टियों को एक बार लेखा जोखा करो और कैसा नेता चाहिए ये हम लोगों से पूछो, हम बताएंगे कैसा नेता चाहिए, कैसा आपको अंदर आप जाने लायक ही नहीं होगे तो क्या करोगे, क्या करने लायक ही नहीं हो कुछ तो करोगे क्या? आप सिवाय जेल जाने के सिवा कुछ करोगे नहीं आप। और उसका नतीजा होता है कि हमें सुनना पड़ता है गाली कि तुम्हारे लोगों ने ये सामाजिक न्याय का ये किया वो किया, इसका जवाब हम देते फिरते हैं। तो हमारे अपने प्रतिनिधियों से भी बात करनी पड़ेगी कि आप इस तरह के जो लोग भेज रहे हैं उनका भी कैरेक्टर और उनका भी चरित्र और उनका भी देख लीजिए कि वो करते क्या है, कर क्या सकते हैं। वो खाली भेज देने से कुछ थोड़े होता है, वहां जाके कुछ करने लायक अगर नहीं है तो बेकार है आपका। तो ये सारी चीजें हमें खुद अपने बहुजन समाज के प्लेटफॉर्म पर एक बात समझनी पड़ेगी, हमें लोगों को जो भी है चर्चा आपस में करनी पड़ेगी। और ये जो व्यवस्था बनाई गई है व्यवस्था में अगर हम ढंग से लड़े तो बड़ी बात नहीं है, ये बहुत शांतिपूर्ण से लड़ाई हो सकती है। उछल कूद और लठमारी से कोई व्यवस्था चीज नहीं होता है। हमें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग हैं, संवैधानिक व्यवस्था में, इन्हीं के माध्यम से हमें सब कुछ करना है। लेकिन हमारी तैयारी बस एक दिन पहले नहीं होती है, ये लोग तैयारी पूरे कर रहे हैं 100 साल से। हम सोचते हैं कि इलेक्शन से एक महीना पहले सब कुछ कर लेंगे, जाकर के 2 दिन पहले जाकर कर लेंगे, वैसे नहीं होती है। ये बदलाव सामाजिक सत्ता परिवर्तन के काम जो है रोज दर चलते रहना चाहिए। अगर आपको मिल गया तो उसको हम कंटिन्यू कैसे करें, फिर आगे नेक्स्ट हमें कैसे मिले, इसकी तैयारी होती है। तो इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए भी हमें जो है सब कुछ करना है। संविधान में जितनी भी चीजें हैं आज जो जजमेंट आ रहे हैं वो क्या है? कभी ये ऋषि मुनियों के नाम पर गीता पुराण सब लिखे, आज वो जजमेंट लिख रहे हैं उन्हीं के लोग जज के नाम पर। उस समय भी कहा था शूद्रों को शिक्षा और संपत्ति का अधिकार नहीं है, आज भी कहता है कि आपका कोई अधिकार नहीं है। तो वही चीज ये कर रहे हैं लेकिन उसका खाली नाम बदल रहा है, उसके स्वरूप बदल रहे हैं, तरीका वो निकाल लिया है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि नहीं वो जो कर रहे हो तो सब कुछ वही भगवान है। इस देश का सबसे सुप्रीम अगर है तो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम नॉट सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। अगर वो संविधान विरुद्ध काम करता है तो उसका बायकॉट करना, उसके खिलाफ करना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। बिकॉज वी आर वी द पीपुल ऑफ इट, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला वर्ड यही है। संविधान उनको हैंड ओवर नहीं किया गया, ये वी द पीपल ऑफ इंडिया को हैंड ओवर किया गया है। अगर वो गलत जजमेंट आता है तो उसके खिलाफ भी हमें आवाज उठानी पड़ेगी कि आपका नहीं चलेगा ये, आप गलत कॉलेजियम बनाएंगे, गलत बेंच बनाएंगे, संविधान विरोधी बेंच बनाएंगे, ऐसे थोड़े होता है। तो हमें इन सब चीजों के लिए जब तक आप नहीं स्टडी करके और इसकी रिसर्च करके आप नहीं आ पाएंगे तो ऐसे आने से कोई फायदा नहीं, आप बात करने से कोई फायदा नहीं, फिर तो वो उनके कुनूस है और क्या है वो सब उसके समेट देंगे उसमें।
हमें चर्चा इन्हीं मुद्दों पर करना है। इस देश के संविधान में वो सारी व्यवस्था है जो हर वर्ग को प्रतिनिधित्व की बात करता है। अगर आप संविधान के आर्टिकल 15 और 16 पढ़ें तो उसमें सीधे लिखा हुआ है 16 में प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन। अब किसके हो है तो एनी बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड कौन है इसकी क्लास डिफिनेशन आपको 340, 41, 42 में दिया है। कहां देना है इन द सर्विसेज ऑफ स्टेट। स्टेट क्या होता है स्टेट का डिफिनेशन दिया हुआ है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 कहता है स्टेट मींस पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब कि राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा हो गया पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर ऑफ दिस कंट्री इस हर स्टेट का वहां भी आ गया आपको गवर्नर विधानसभा विधान परिषद। फिर उसमें कहता है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्रधानमंत्री भी आ गए जितने मिनिस्टर हैं इवन उसका राष्ट्रपति भी आ गया क्योंकि हेड होता है गवर्नमेंट का वो। फिर कहता है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स उसमें गवर्नर आ गए सारे उसके मिनिस्टर्स आ गए उनके सारे ऑफिसर जितने भी हैं ABCD सारे ऑफिसर्स आ गए क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट की बात है। फिर कहता है उसमें लोकल बॉडी। लोकल बॉडी में आपका ग्राम पंचायत आ गया नगर पालिका आ गया सारा आ गया। फिर कहता है कि एनी अदर बॉडी जो इस देश के कानून के अंदर रजिस्टर्ड है चाहे वो प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल क्या हो अगर इस देश के किसी भी कानून के अंदर वो रजिस्टर्ड है दैट इज स्टेट। इसी वजह से आपको जो है ये सारे मेडिकल कॉलेज में EWS क्यों OPD क्यों खोला गया इसी वजह से कि आप देंगे चूंकि आप स्टेट हैं लोकल बॉडी के। और EWS कोटा क्यों दिया इस स्कूल में तो जब वही चीज बहुजनों को देने की बारी आती है तो ये लागू नहीं होता है लेकिन जब उनको देना होता है तो उनके लिए ये स्टेट बन जाते हैं। तो आपके संविधान में ये सब चीज है लेकिन इसकी व्याख्या वो करते हैं क्योंकि हमें वो बेंच में बैठने नहीं देते हैं व्याख्या करने के लिए। व्याख्या तो वो कर रही है ना अगर हम होंगे तो हम व्याख्या करेंगे ना कि इसका ये व्याख्या होता है इसका मतलब ये होता है। संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि आपको किस में सीधे कहता है रिजर्वेशन किस चीज का ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट। अब अपॉइंटमेंट्स की बात जहां जहां अपॉइंटमेंट लेटर आप इश्यू करेंगे जिसको भी यहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट होता है आपने अपॉइंटमेंट जैसे लिखा ये रिजर्वेशन में आ गया। आप यहां अपॉइंटमेंट जो करते हैं जितने भी अफसरों का सारे को अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं तो आ गया आपका अपॉइंटमेंट वर्ड यूज कर। ये कहीं नहीं लिखा है कि टेम्पररी कर रहे हैं कि एडहॉक कर रहे हैं कि परमानेंट कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट पर कर रहे हैं। आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं दैट्स ओके। तो जो संविधान निर्माता है उसने बहुत टेक्निकल वर्ड दिया है इस वर्ड को समझने की जरूरत है। अब दूसरी बात है कि रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट है। इस देश में जितने भी पोस्ट हैं इवन राष्ट्रपति का पोस्ट जो है वो रिजर्वेशन के दायरे में आता है क्योंकि वो पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट का हो प्रेसिडेंट का हो गवर्नर का हो जितने भी पोस्ट है मिनिस्टर का हो सारे MLA MP जितना पोस्ट है वो सब पोस्ट में आता है। तो दो वर्ड को इसमें सीधा रिजर्वेशन कहता है कि अपॉइंटमेंट जहां होगा वहां पर रिजर्वेशन होगा और जो पोस्ट वर्ड जहां वो यूज होगा वहां पर रिजर्वेशन। इसमें कुछ नहीं लिखा है कि आपको इसके लिए बनाना पड़ेगा कैडर। अब ये कैडर के नाम पर कभी रोकता है कभी रोटेशन के नाम पर रोकता है। आपको रोटेशन हर पोस्ट में करना होगा ये है संविधान का वर्डिंग। राष्ट्रपति का पोस्ट अगर है रिजर्वेशन में और उसमें करना होगा एक बार SC दीजिए एक बार ST दीजिए OBC दीजिए एक बार जनरल दीजिए एक बार माइनॉरिटी दीजिए आपको वहां करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति के लिए कैडर बनाना पड़ेगा आपको। राष्ट्रपति कैडर नहीं बन सकता तो वहां तो कोई नहीं पहुंच सकता कभी। प्राइम मिनिस्टर कैडर नहीं बनेगा वहां कैसे पहुंचेंगे इंडिविजुअल। इसी वजह से पहले शुरू में इन लोगों ने बहुत सारे जजमेंट लाए कि सिंगल पोस्ट को इन्होंने बाहर कर दिया रिजर्वेशन से। वो जानता है कि ये रिजर्वेशन में आ रहा है इसने सीधे कलम मारी और ऑर्डर निकाला कि जितने भी सिंगल पोस्ट हैं वो रिजर्वेशन से बाहर है। फिर देखा कि ओबीसी का आया हर चौथा पोस्ट ये आ रहा है तो कह दिया भाई तीन पोस्ट जो होगा वो जनरल होगा जहां भी वैकेंसी होगी तीन पोस्ट की जनरल होगी। अब तीन से ज्यादा वैकेंसी नहीं निकलती कहीं। बीच में कुछ सरकार हमारी जो मतलब सहयोग के थे
उन्होंने लाया भी कि यूनिट यूनिवर्सिटी को बनाया जाए, यूनिट पूरे स्टेट को बनाया जाए, पूरे ब्लॉक को बनाए, पूरे जिला को बना करके कुछ निकाला इस तरह का। अब वो आकर दोबारा कह रहे नहीं, अब यूनिट को बनाएंगे हर डिपार्टमेंट को, यूनिट बनाएंगे हर पंचायत को। तो ये सारी चीजें हैं, ये कब होती है, जब सत्ता आपकी होती है। एक सिंपल सी आपको बताऊं कि बिहार का मैं हूं तो मुझे एक्सपीरियंस है, जब लालू जी आए थे तो पहले होता था रिटेन टेस्ट। तो रिटेन टेस्ट में हम लोग पढ़ने वाले कम थे, क्योंकि उसमें हम लोगों को पढ़ने का मौका कम मिलता था, तो रिटेन में कम आते थे, और उनके बच्चे पढ़ने की सुविधा तो वो रिटेन में आ जाते थे। और जब उनके ही बच्चे 90% रिटेन में आएंगे, वो आप बच्चे सेलेक्ट हो गए, 90% वो आ गए। और लालू जी आते, उन्होंने कहा कि नहीं, हम पहले फिजिकल लेंगे, फिजिकल में 90% हम आ गए। आपको 90% में कितने भी वो छटेगा रिटेन में, तो फिर भी तो बहुमत में तो रहेंगे ना हम। और इसी तरह से हमारे दरोगा और छोटे छोटे भर्तियों में आ गए। तो सत्ता का ये फायदा होता है कि एक ही चीज को वो खाली उलट देगा ना, तो उलटने से ही बहुत कुछ बन जाती है और कई चीज बिगड़ जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। तो हमारे एक्सप्रेशन पर किस तरह से ये लोग नहीं चाहते हैं कि हम खुल करके आए, हम लीडर बन सके, हम पत्रकार बन सके। अगर हम बनेंगे तो हमारे हम रोल मॉडल अपने लोगों को होंगे, वो बनेगा तो हमारे लोगों के लिए रोल मॉडल नहीं हो सकता। तो वो जानता है कि ये लीडर बनेगा, रोल मॉडल बनेगा, तो इनकी समाज उठ जाएगा, और ये नहीं होना चाहिए। तो वो चाहता है कि आपका हमारा ही लोग आपका सब कुछ बने, चाहे वो मिश्रा बन जाए, दुबे बन जाए, तिवारी बन जाए, नारायण बन जाए, लेकिन हम नहीं बन सकते वो। और यही चीज को रोकने के लिए वो हमें फ्रीडम ऑफ च्वाइस पर जो है रोक लगी हुई है। और इसको वो अपने अपने सड़कों पर, संसद लेकर सड़कों पर तो लोग तैयार कर दिए हैं कि जहां ये उठ खड़ा हो इसके ऊपर लिंचिंग शुरू कर दो। और बाकी पुलिस तो है ही उनके, और थाने तो उनके हैं ही जो उनके साथ काम करने के लिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों को सुना। थैंक यू।